بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. معزز ذمہ داران ٹرسٹ، اساتذہ جامعہ الامام البخاری، ابناء قدیم جامعہ الامام البخاری کے ذمہ داران اور میرے عزیز بخاری بھائیو، یہ ایک بہت خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ 10 سال، 20 سال، 25 سال، شاید 30 سال بھی ہو جائے، ان یادوں کو ہم یاد کر رہے ہیں اس جامعہ کے مؤسسین، اس جامعہ کے تاسیس سے لے کر آج تک ہم کیا اچھا کیے اور کیا برا کیے، ہم کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں. عقل مند وہ ہے جو اپنے ماضی کی غلطیوں کو سامنے رکھ کر اپنے مستقبل کو روشن مستقبل بناتا ہے. بہت دنوں بعد آپ لوگوں سے روبرو ہونے کا موقع ملا ہے. عمر میں بھی بہت کم ہوں، علم میں بھی بہت کم ہوں، عمل میں بھی بہت کم ہوں، لیکن ایک لوگوں کا حسن ظن ہے کہ میں ادارے کی ذمہ داری سنبھالوں. اللہ رب العالمین ہر ناحیت سے مجھے تقویت بخشے اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے. یہ ادارہ 30 سال کے مدت میں آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کی پلاننگ میرے خیال سے اس سے پہلے ہی سے ہے. خاص کر کے والد محترم رحمہ اللہ شیخ عبد المتین السلفی اور ان کے کچھ رفقاء اور اخوان اور احباب، جامعہ اسلامیہ کے تعلیم کے دوران روزانہ لگ بھگ بعد نماز عصر ایک نشست لگتی تھی، چائے کی نشست، اور اکثر و بیشتر یہ بات آتی تھی کہ ہمارے اس پچھڑے ہوئے علاقے میں کوئی معیاری ادارہ نہیں ہے، جن کے پاس اتنا امکان ہے کہ اپنا ٹکٹ کٹا کے دلی، بنارس یا جہاں معیاری ادارہ ہے وہاں تک جا سکے اور پھر واپس بھی آ سکے. تو ایسے لوگ تھوڑا بہت پڑھ لیے اور ان کی تعداد میری سمجھ کے مطابق 1% سے بھی کم اس وقت تھا، اور جن کے پاس امکانات نہیں تھے اپنے گاؤں میں مکتب پڑھ لیے، سرکاری اسکول میں کچھ پڑھا دیا پڑھ لیے، سرکاری مدرسوں میں کچھ پڑھا دیا پڑھ لیے، اور پھر اپنے کھیتی گرہستی بزنس وغیرہ میں لگ گئے لوگ. تو کیوں نہ ہم ایک ادارہ اپنے علاقے میں قائم کریں کہ وہاں کے غریب لوگ یہاں آ کے پڑھ سکیں اور وہاں کے نونہالوں کو ہم تعلیم دیں. یہ روزانہ اثر کے بعد اثر بعد ہے کہ ان کی ایک مجلس لگتی تھی اور اس کا اہم ایجنڈا اس چائے پینے کی مجلس کی یہی ہوا کرتی تھی، اور ہوتے ہواتے وقت گزرتے اللہ کے فضل سے 1988 میں یہ عمل میں آیا. کسی بھی کام کرنے کے لیے
पैसा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं है, इंसान का इखलास लिल्लाहियत सबसे अहम चीज़ है। जब शुरू किए थे तो उस दौरान माशाल्लाह अब्दुल रशीद साहब, हज़रत शेख मुज़म्मिल हक़ अल-मदनी साहब, शेख मुनीर साहब और मैं भी इस इदारे में उस वक्त तालिब इल्म था, शुरू के दूसरे या तीसरे साल में क्या हालात गुजरे हैं हम लोगों के सामने हैं। ऐसा भी दिन आया कि खाने के लिए नहीं है। तो एक दिन का वाक़या था कि असरबाद लोग शायद बैठे थे या सुबह के वक्त और सोच रहे हैं कि बच्चों को क्या तरकारी खिलाया जाए, सालन क्या बने, कोई गुंजाइश नहीं निकल पा रही। ऐसे ही सब आपस में सोच रहे हैं और रोड के तरफ से एक आदमी अपने हाथ में एक मुर्गा लेते हुए आ रहा है मदरसे की तरफ। तो वो आया और आके सलाम दुआ किया, बोला कि ये मेरे तरफ से मदरसा के लिए हदिया है। तो लोग दिल बाग बाग हो गया, एक मुर्गे की कीमत क्या है, क्या हैसियत है। लेकिन शायद आज का 1 करोड़ रुपया मीज़ान में हल्का होगा उस दिन के एक मुर्गे से। अल्लाह रब्बुल आलमीन नीयतों को देखता है। एक मिसाल मैं देना चाहूँगा सुन्नत नबवी से कि किसी जंग के मौके पर, मुझे याद नहीं आ रहा है उस जंग का, कि अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया कि भाई जंग के खर्चे के लिए आप लोग चंदा दीजिए, तबू के लिए। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु कुछ सामान लेके आए तो अल्लाह के रसूल पूछे कि अबू बकर तुम घर में क्या छोड़ के आया है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़ के आया, क्या ही ईमान देखिए, क्या ही जज्बा देखिए। फिर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं, वो भी कुछ सामान लेके आए तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि तुम घर में क्या छोड़ के आए। तो बोला कि अल्लाह के रसूल जितना भी सामान था उसका 2 हिस्सा किया, एक हिस्सा घर में छोड़ के आया, एक हिस्सा आपकी खिदमत में हाजिर है। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये चाहते थे कि मैं हमेशा ये कोशिश करूँ कि कार खैर में सबकत करूँ, लेकिन मैं अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को आज पिछाड़ नहीं सका। यहाँ ये नहीं देखा गया कि किसकी मकदार कितनी है। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु 5 किलो अनाज लाया था और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु 50 किलो अनाज लाया था, वो मकदार नहीं देखा गया, नीयत देखी गई। आप जिसके मालिक हैं उसमें आप क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो कहना ये है कि उस दिन का मुर्गा आज के 1 करोड़ पर भारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मुर्गे वाले को अगर बाहया फिर तंदुरुस्ती अता फरमाए और बरकत दे रोज़ी रोटी में और अल्लाह के प्यारे हो चुके हों तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन बोलिए थोड़ा ज़ोर से। जामिया से मुतालिक कहने के लिए बातें बहुत कुछ हैं लेकिन वक्त बहुत हो गया है और भूख भी लग रही है। मैं ख़ुद अपने आप में महसूस कर रहा हूँ अल मर्उ यकीसु अला नफ्सी। जामिया इमाम अल-बुखारी या तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर निगरानी तमाम इदारे अल्लाह के फजल व एहसान से बहुत अच्छे ढंग से हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अच्छा चल रहा है और हम इसमें मुतमईन नहीं हैं। हम चाहते हैं कि इससे भी अच्छा और बेहतर हो और अच्छा और बेहतर करने के लिए हर तरह के की कोशिश हमारा वक्त 24 घंटा एक ये नहीं कि सिर्फ दिन में सोचते हैं, सिर्फ ऑफिस में आके सोचते हैं, ऐसी बात नहीं है। हत्ता कि कई बार ख्वाब में भी यही सब आता है तो जाहिर बात है इंसान जो सोचेगा ख्वाब में भी वही आएगा। कई बार अच्छे अच्छे मशवरे मिल जाते हैं। अला कुल्ली हाल
वो वक्त था आप लोग यहाँ से तालीम हासिल करके गए, और आज है आप में से कई तलबा माशाल्लाह आला तालीम हासिल करके फिर आप इस जामिया में दोबारा वापस आए। एक बाप को बहुत खुशी महसूस होती है जब वो देखता है कि उसका बेटा जवान हो गया, इस लायक हो गया कि बाप को कमा के खिला सकता है, इस लायक हो गया कि कल बाप बेटा के लिए सोचता था, आज वो बेटा बाप के लिए सोचता है। और एक बार का वाकया है, मदीना यूनिवर्सिटी में मैं था और वालिद मोहतरम अल्लाह गरीक रहमत फरमाए आए, उनके साथ उनके कुछ इख्वान भी थे शायद, और भी एक आप लोग रहे होंगे, तो उनको ऐसा लगा कि बहुत खुश हैं। फिर ये बात जिक्र भी कर दिए कि अब मैं थोड़ा सा मुतमइन हूँ, अब मुझे थोड़ा सा इतना सा महसूस हो रहा है कि मुती रहमान जो है पढ़ाई कंप्लीट कर रहा है और इंशाल्लाह संभालेगा, देखेगा। तो उनकी खुशी को मैं उस दिन देखा, तो हर एक बाप इस तरह का मुतमन्नी रहता है। इसी तरीके से ये इदारा, आपका इदारा इसी तरह के तमन्ना दिल में रखा हुआ है। और आज इदारे को फख्र भी है, खुशी भी है उनके उन सपूतों पे जो लोग इस इदारे के नाम को रोशन किया है, ख़ास करके अजीज़म नूह आलम और मुजाहिद इस्लाम और इनसे पहले डॉक्टर इब्राहिम, आप लोग माशाल्लाह यहाँ से पढ़कर जामिया इस्लामिया से पीएचडी हासिल करके एक आला मकाम हासिल किए तालीम तरबियत में। हम सब जानते हैं कि कोई आदमी अगर पीएचडी हासिल कर लिया गोया कि वो इस ज़माने के तालीम के हिसाब से एक आला मकाम पर पहुँच गया है। ऐसे में बचपन में एक साहब से पूछा था किसी दानिश्वर शख्सियत से कि सबसे आखिरी सर्टिफिकेट क्या है, सबसे आखिरी माने क्या क्या होता है, सबसे आखिरी डिग्री क्या हो सकती है। तो बोला कि आखिरी डिग्री कुछ नहीं है, इंसान ज़िंदगी भर पढ़ता रहता है, लेकिन एक सिस्टम है दुनिया में कि आप डिग्रियाँ हासिल करने करते करते पीएचडी तक जो है आखिरी डिग्री हासिल कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जो आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन वो डिग्री नहीं मानी जाती है, वो आपके एक्सपीरियंस है, आपके तालीम लियाकत में वो सपोर्ट के मानिल है, लेकिन पीएचडी जो है सबसे ऊँची चीज़ मानी जाती है। तो आज जामिया नवाब बुखारी को बहुत ज़्यादा खुशी और मसरत है। और दूसरी जानिब इसलिए भी ज़्यादा खुशी है कि कई यहाँ के फारिगीन दोबारा यहाँ वापस आए और यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। गोया कि ये इदारा अल्लाह के फजल व एहसान से अपने शबाब पर है। बाप जब भरपूर जवानी में होता है तब बेटा जवान होने लगता है, ये एक हम लोग देखते हैं। एक शख्स जब 20-22 साल में शादी कर लेता है तो 40-45 के साल में जब पहुंचता है वो शख्स, तो वो देखता है कि उसका बेटा भी फारिग हो रहा है कुल्लिया से या बीए से, और ये एक मुतवस्सताना माना जाता है तालीमी मेयार के हिसाब से बीए की तालीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह जामिया इमाम बुखारी को ये भी खुशी है कि उनके फारिगीन आज इस इदारे में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो कुल्लिया के फारिग लोग हों, चाहे मैजिस्टर हों, चाहे डॉक्टरा हों। और जो लोग अभी ज़ेर तालीम हैं,
इदारा आपसे बहुत ज़्यादा खैर की उम्मीद रखता है, बहुत ज़्यादा। कल अगर वालिद मोहतरम हो, या मौला अब्दुल रशीद मज़ही साहब हो, या मास्टर अब्दुल रशीद साहब हो, या मुज़म्मिल साहब हो, या मुनीर साहब हो, या जितने भी असहाब हैं यहाँ पर, उनके दिल में ये जज्बा ना होता कि यहाँ हम इदारे में जो कुछ मिल रहा है उसी में को लेकर हम यहाँ इस इदारे को आगे बढ़ाएंगे, तो शायद ये चमन कायम ना होता। मैं मिसाल दूँ वालिद साहब के बारे में कि उनको मौका मिला था लंदन जाने का, या इस तरीके से और कई मुल्क जाने का। कोई भी समझदार आदमी आज के ज़माने में यूरोप या अमेरिका जाने का मौका मिले तो चुकता नहीं है, बल्कि अपने आप के लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी समझता है। लंदन जाने के बाद वहाँ कमाने खाने का बहुत ज़्यादा मौका था। अगर वो चले जाते आज से 30 साल पहले तो शायद हम लोगों को वहाँ की नशेड़ी मिल जाती, हम जो उनका औलाद हैं और वहाँ के बाशिंदे हो जाते, वहाँ कमाते खाते और जो कुछ होता। लोग इस चीज़ को अपने आप अपने लिए बहुत ज़्यादा एक इज्जत की चीज़ समझते हैं। लेकिन उनके दिल में ये ख्वाब था कि यहाँ एक मदरसा कायम। अपने तमाम आराम ख्वाहिशात नफसानी तमाम तर सहूलियात को तर्क करते हुए यहाँ पर इस पिछड़े हुए इलाके में आकर एक जज्बा के साथ सब लोग काम किए। एक साहब हैं शहर में जो इदारे के बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं और हमेशा कदम कदम पर उनका ताउन रहा है। कई बार मैं उनको ये बात कहते हुए सुना था कि सल्फी साहब, उस ज़माने की बात है, आज से 15 साल 20 साल 25 साल पहले की बात है, कि इनके अंदर वो सलाहियत है कि हर तरह के आराम और आशाइश की ज़िंदगी गुजार सकते थे, एसी कमरे में रह सकते थे, एसी घर में रह सकते थे, एसी गाड़ी में रह सकते थे। उस ज़माने में एसी का मतलब मिनिस्टर लोग या खरबपति लोग, वही लोग जो है एसी के बियर कर सकते थे उस ज़माने में। तो वाकई बात सही है, सिर्फ उनका नहीं, जितने भी रफ़क़ात हैं उनके तमाम लोगों के ही हाल थे। बहुत मेहनती थे, मेहनत करने वाले थे। अगर यहाँ मेहनत नहीं करते तो अपनी जिंदगी अपने लिए मेहनत करते, अपना बिजनेस खोल देते, अपना और कुछ खोल देते और मेहनत करके खाते कमाते। बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन उनके अंदर में जज्बा था, नहीं इस इलाके के बच्चों को हम पढ़ाएंगे। अल्लाह का फजल व एहसान है, आज जामियतुल इमाम बुखारी के फारिगीन सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बैरून हिंद में भी तालीम तरबियत दावत तबलीग और दिगर उमूर में मगन हैं, काम कर रहे हैं, रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, खिदमत दे रहे हैं। इसी तरीके से जामिया आयशा इस्लामिया के बारे में अभी शेख मुज़म्मिल साहब बता रहे थे कि बच्चियों को मांग मांग के लेते थे कि बच्चियाँ दीजिए हम पढ़ाएंगे हॉस्टल में रख के। लोगों के अंदर में जज्बा ही नहीं था, ये समझते ही नहीं थे कि बच्चियाँ भी पढ़ती हैं, बच्चियाँ भी मदरसे में जाकर रहती हैं। वो ज़माना था जब सिर्फ 40 बच्चियों से जामिया आयशा इस्लामिया की बुनियाद रखी गई थी। आज अल्लाह के फजल व एहसान से पिछले कई सालों का रिकॉर्ड है, लगभग 1400 बच्चियाँ इदारे में पढ़ रही हैं। अभी पिछले हफ्ता 1330 बता रहे थे, अभी मेरे ख्याल से 1370 तक पहुंच गया है, शायद ऐसे दो चार हो रहा है। हालांकि एडमिशन लेना मना है अभी, या तजदीद दाखिला मना है, लेकिन पिछले दो तीन दिन पहले तक जो एडमिशन लिया गया तो तादाद इस हद तक पहुंच चुकी है। और जगह नहीं है कि हम लोगों को जगह दे। अगर 5000 की कैपेसिटी भी कर लेंगे तो मेरे ख्याल से कम पड़ेगा। और पहले तो सिर्फ हम अकेले ही थे,
पूरे बिहार में, बंगाल में, आसाम में, झारखंड में सिर्फ जामिया आयशा अल इस्लामिया ही था। आज तो जामिया आयशा अल इस्लामिया के इर्द गिर्द में कई सारे मदारिस हैं, और बिहार में, बंगाल में, झारखंड में, नेपाल में भी सैकड़ों ऐसे इदारे हैं बच्चियों के, जो इदारे या तो हमारे फारिगात के ज़रिए वो शुरू की गई है वो इदारे, या फिर वहाँ वो मुदर्रिसा हैं खिदमत अंजाम दे रही है। सैकड़ों की बात कर रहा हूँ, एक दो की बात नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम हसनात को कबूल फरमाए, और उन मुअस्सिसीन के लिए सदका जारिया बनाए, और जो हजरात गुजर चुके हैं अल्लाह हम लोगों को जन्नतुल फिरदौस में जगा दे, और जो लोग बाहयात हैं अल्लाह उन लोगों को तंदुरुस्ती अता फरमाए, उन लोगों को मज़ीद तौफीक दे।